हर जगह की जो पॉपुलेशन होती है उसको काफी बार स्टडी किया जाता है कि भाई वहां की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है, कितनी बैकवर्ड है या फिर कितनी डेवलप्ड है, और इसी को ही अपन उस जगह की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। आज के इस वीडियो के अंदर जिसमें अपन बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस से पहले, कि किस तरह की थी इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले, तो इसी चीज के अंदर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन किस तरीके की थी। ओके, सो जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमारी पॉपुलेशन का, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो डेमोग्राफिक जो कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल द फीचर्स ऑफ स्टेग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। सो बच्चों, उस टाइम के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जिस तरीके की थी, तो उस टाइम का अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखा जाए पॉपुलेशन का, तो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था और बहुत ही ज्यादा स्टेग्नेंट था। देखो, स्टेग्नेंट का मतलब हमें पता है अ थिंग विच शोज नो ग्रोथ और लेस ग्रोथ, ठीक है, और बैकवर्ड का मतलब भी हमें पता है, बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा हुआ, करेक्ट। तो हमारी जो पॉपुलेशन थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो प्रोफाइल था पॉपुलेशन का, वो बिल्कुल ही बैकवर्ड था, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। अब देखो, जब भी अपन ना पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं किसी भी जगह की, तो उसके अंदर हम सब चीज को कंसिडर करते हैं कि वहां की बर्थ रेट कैसी है, वहां की डेथ रेट कितनी है, मतलब कैसी है, वहां की लिटरेसी रेट कितनी है, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये सारी की सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, तो इन शॉर्ट यही क्या हो जाती है, उस जगह की डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे उस टाइम पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बर्थ रेट की और डेथ रेट की, तो क्योंकि आपको पता है कि हमने ये चीज अभी डिस्कस करी कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी, बहुत ही ज्यादा स्टेग्नेंट थी, तो वहां पे उस टाइम पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी। अब इसके हाई होने के पीछे कारण क्या है? कारण सिंपली बस ये है कि जो हेल्थ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज थी, वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी। अब क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी कि भाई अगर जैसे अगर कोई ये चाहता है कि उनकी फैमिली में सिर्फ एक बच्चा हो और उनकी फैमिली में एक से ज्यादा अगर बच्चे हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है। डेथ रेट, अब डेथ रेट ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है? भाई बहुत से कारण है, बीमारियां कितनी कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां होती थी उस टाइम पे, और उन बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो उस टाइम पे बिल्कुल भी सही तरीके का इलाज नहीं था। जैसे आज के टाइम पे, अभी थोड़े से टाइम पहले, 2 साल पहले ही हमने कोविड का सामना किया है। फिर कोविड, भाई कोविड जब आया तब लोगों को नहीं पता था ना कि इसके इलाज क्या है, लेकिन धीरे 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 यहाँ पे इलाज भी निकल के आया, लोगों को वैक्सीन भी लगी, और आज ऐसा टाइम है कि भाई हम कोविड से काफी दूर है, कोसों दूर है। तो लेकिन उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे बहुत ही भयंकर भयंकर बीमारियां लोगों के बीच में फैलती थी, लेकिन बस दिक्कत ये थी कि उस चीज का इलाज नहीं था, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से जो डेथ रेट थी वो भी काफी ज्यादा हाई, करेक्ट। सो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बर्थ रेट और डेथ रेट की बात कर ली, फिर अपन बात करते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की जब अपन बात करते हैं, तो क्या होती है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट? देखो, टाइम पीरियड के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जब थाउजेंड्स बर्थ होते हैं, उसमें से कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब जिंदा रहते हैं, इसी को इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट के नाम से जानते हैं। यानी कि 1000 लिविंग बर्थ में से कितने ऐसे बेबीज हैं जो कि सरवाइव करते हैं टिल देयर फर्स्ट बर्थडे। ऑलराइट, सो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट यानी कि डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ वाज वेरी हाई। अब ये जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो थी, ये भी बहुत ज्यादा हाई थी, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे तक जिंदा नहीं रह पाते थे, वही सेम रीजन, क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा कम थी, है ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, दिस वॉज द रीजन। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, दैट व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखो, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो ऑन एन एवरेज कितने साल तक जिंदा रहते हैं, मतलब वहां के जो लोग हैं वो एवरेज उनकी एज क्या हो सकती है ना, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, तो दिस इज व्हाट योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब उस टाइम पे विद द सेम रीजन, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी प्रॉपर नहीं थी, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी, डिजीजेस बहुत तेजी से स्प्रेड होती थी, तो उस टाइम पे ना लोगों की जो एवरेज एज होती थी वो बहुत ज्यादा कम होती थी।
So life expectancy, yani ki average life of a person was low as 32 years. Yani ki on an average us time pe log sirf 32 saal tak hi zinda rehte the. While presently it is 69.4 years. Aur abhi present ki agar main baat kare, this is the life expectancy. Right? Low life expectancy reflects lack of healthcare facilities. जब life expectancy low है तो वो क्या चीज show कर रही है? Lack of health facilities, lack of awareness as well as lack of means to avail them. मतलब अगर health facilities है या फिर awareness है तो लोगों को पता नहीं है कि भाई इन facilities को हम किस तरीके से avail करें. Correct? So ये आपका third indicator हो गया. Okay? Fourth अपन बात करते हैं literacy rate. अब लिटरेसी रेट क्या होती है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं. क्योंकि अब देखो ये आपको पता है कि भाई उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब इतने सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो पढ़ लिख सके, है ना. तो उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई तो मतलब बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि उस एरा में बिल्कुल ही लोगों को नहीं पढ़ाया जाता था. क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए, मतलब इतनी ज्यादा मास पीपल अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो फिर हो सकता है कि इनको इनके अधिकारों के बारे में पता लग जाएगा कि इनके राइट्स क्या है, और फिर वो मतलब ब्रिटिशर्स के लिए नेगेटिव चीज बन के सामने आएगी, है ना. तो उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट थी वॉज नियरली 16%, बहुत ही कम लिटरेसी रेट थी. रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो कि क्या चीज शो करता है, ये जो लिटरेसी रेट जो इतनी कम है वो चीज क्या शो करती है, सोशल बैकवर्डनेस को ये शो करता है. ओके फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. मतलब ये जो भी अपन ने चेंजिंग भी चीजों के बारे में बात करी है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, फिर उसके बाद में अपन ने बात करी थी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब इन सभी के अंदर ट्रांजिशन कब आया, चेंज कब आया, इसके बारे में अपन बात करते हैं. सो इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. अब आपको ये पता है कि 1921 को अपन किस कौन से ईयर के नाम से जानते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं. सो प्रियोर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज नेवर कंसिस्टेंट. इससे पहले हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी भी एक जैसी नहीं थी. साइज ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, वो फ्लक्चुएट होती रहती थी. इंक्रीज इन वन सेंसेस एंड डिक्रीजिंग इन अदर, मतलब एक बार तो बढ़ती थी और दूसरी सेंसेस के दौरान वो कम हो जाती थी, कंसिस्टेंट नहीं थी. ठीक है, 1921 के बाद में पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज. और 1921 के बाद में हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंटली कैसी होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है. Thus, the census 1901 showed a decline of 0.04 crores in total population. All right, from 23.87 crores in 1891 to 23.83 crores in 1901. All right, the census of 1911 showed a rise of 1.38 crore from 23.83 crores in 1901 to 25.21 crores in 1911. तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने की, जो डेटा आपको गिवन है इस डेटा की हेल्प से आपको बस ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएट हुई है ना. जहाँ पे एक ऐसा टाइम था जो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी, फिर ऐसा टाइम आया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो राइज होने लगी. अगेन इन द सेंसस ऑफ 1921 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.07 क्रोर्स. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25.21 crores in 1911 to 25.14 crores in 1921. तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिली, decline of 0.07. A consistently rising population on the eve of independence led to excessive burden of maintenance investment. अब यहाँ पे क्या था कि ये जैसे जैसे population बढ़ती जा रही थी तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी किस चीज में, टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मेंटेन बर्डन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था. All right. It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of existing population. अब ये क्या है, maintenance investment क्या है, या इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी population है उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, और the खर्चा is also the very mandatory. तो ये जो जरूरत का जो खर्चा किया जाता है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी, इतना पैसा था नहीं, तो अब जब इतना पैसा नहीं था तो उन लोगों पे क्या लगाया जाए, है ना. तो इस चीज की तकलीफ आ रही थी. तो इट इज एन एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैज टू इनकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो. जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई होगा तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा. देखो, या तो हमारे लोगों के ऊपर हम खर्चा कर सकते हैं या फिर ग्रोथ के ऊपर हम खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हमारे पास में लिमिटेड ही है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है. अब उन रिसोर्सेज को या तो हम
एक जगह पे लगा सकते हैं तो दूसरी जगह में डेप्रिवेशन देखने को मिलेगा, या फिर इस जगह लगाएंगे तो इस जगह पे डेप्रिवेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है, जब ये लोगों पे लगाया तो फिर ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा कम हो गया इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बैकवर्डनेस एंड द स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो लोगों पे खर्च किया जा रहा था, तो इसकी वजह से हुआ ये कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ये शो करता है कि भाई हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्टेग्नेंट थी और बैकवर्ड थी। ओके, सो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये खत्म होता है। बस इतना सा ही था, ये 5-7 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जो डेटा है वो आपको एज इट इज लर्न नहीं रखना है, बस उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है, ठीक है, कि किस तरीके से 1901 के अंदर जो पॉपुलेशन थी फिर वो किस तरीके से चेंज, पहले कंसिस्टेंट थी, फिर क्या हुआ था, फिर वो फ्लक्चुएट होने की। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी। सो बच्चों, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और आई होप कि आपने आज का ये वीडियो एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।